हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दें। आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो आज मैं आप लोगों के लिए बेबी फ्रॉक लेकर आई हूँ। इस फ्रॉक के लिए बहुत सारे लोगों ने बोला है। ऐसी ही फ्रॉक हम कुछ टाइम पहले डाल चुके हैं, उस पर अच्छे खासे व्यूज़ हैं, बहुत सारे लोगों ने पसंद किया। आई थिंक 4 मिलियन व्यूज़ होने वाले हैं उस पर। सबसे ज़्यादा कॉमेंट आए थे कि मैम बड़ी बनाना बताइए, क्योंकि वो वाली फ्रॉक थी वो 1 साल के बच्चे के लिए मैंने बनाई थी। नहीं देखिए ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, कमेंट बॉक्स में भी है, जाके देखें। या फिर देखिए इस तरीके की मैंने फ्रॉक बनाई थी, वो 1 साल तक के बच्चे की है, अच्छे खासे व्यूज़ हैं। चलिए आज बड़ी फ्रॉक बनाते हैं 3 से 4 साल तक के बच्चे की। तो सबसे पहले हमने ग्रीन कलर की ऊन ली है, आप चाहे कोई सा भी कलर ले सकते हैं। यहाँ पर हमने 3 चैन बनाई है। 3 चैन बनाने के बाद इसको खींचेंगे थोड़ा सा और इस तरीके से देखिए इसके अंदर डालेंगे। फर्स्ट वाली चैन में डालेंगे और देखिए एक बार निकाला वापस डालेंगे इसके अंदर, 2 बार, फिर से हम इसके अंदर डालेंगे 3 बार और 4 बार। 4 बार निकालने के बाद सारे फंदे हम एक साथ निकालेंगे। देखिए इस तरीके से निकालेंगे एक साथ। तो हम गले से स्टार्ट कर रहे हैं, 3 साल के 4 साल के बच्चे के आराम से आ जाएगी फ्रॉक। तो 3 साल के परफेक्ट है। अगर आपको 4 साल के बच्चे की बनानी है तो लेंथ आपको थोड़ी बढ़ा लेनी है, तो ये फ्रॉक बिल्कुल ठीक आने वाली है। देखिए अब फिर से हमने एक चैन लेकर इसको खींच लिया है, फिर इसके अंदर हम 4 बार डालेंगे और फिर से देखिए सारे फंदे एक साथ निकाल देंगे। तो गले से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो कितने बार हमें ये डिज़ाइन बनानी है अभी हम आपको बता देंगे। अभी 2 बार हुई है, सेम इसी तरीके से 3री बार भी हम ऐसे ही बनाएंगे, इसके अंदर डालेंगे, 4 बार में फंदे निकालेंगे। देखिए तो मैं आपको बताऊँ, देखिए अभी मैंने एक फ़ोटो डाला था ब्लैक कलर की जैकेट का, आप में से बहुत सारे लोगों ने बोला है वो जैकेट बनाने के लिए। इंस्टाग्राम पर उसकी फ़ोटो आई थी तो मैंने सोचा ठीक है बनाते हैं। आप लोग काफ़ी टाइम से बोल भी रहे थे, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि मैं वो दूसरे की डिज़ाइन है, किसी और की डिज़ाइन है, उसको हम कॉपी कर रहे हैं, जबकि ऐसा है ही नहीं। ठीक है, वो सिर्फ फ़ोटो है, आप पूरे YouTube पर सर्च कर लेंगे ना तो आपको वीडियो मिलेगी ही नहीं, क्योंकि वो सिर्फ फ़ोटो ही अपलोड किया है लोगों ने, किसी ने भी उसकी वीडियो नहीं बनाई है। बट कुछ लोगों को लगता है कि वो डिज़ाइन किसी और की है तो मुझे नहीं बनानी चाहिए। तो आप लोग बताइएगा बनाना है वो डिज़ाइन बनानी है मुझे या नहीं बनानी है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए हमने यहाँ पर 28 बार डिज़ाइन बनाई है गले पर। तो अगर आपकी बच्ची 3 साल की है और आप 3 से 4 साल तक की फ्रॉक बना रहे हैं तो इतना काफ़ी है। ठीक है, इतना गला आ जाएगा, 28 डिज़ाइन बनाया। उसके बाद देखिए हम इसको ज्वाइन करेंगे, 2 चैन ले ली हमने और यहाँ पर 1 चैन ली है और इसमें डाल के हम ज्वाइन करेंगे। अगर आपको छोटी फ्रॉक बनानी है 6 महीने की या फिर 1 साल तक के बच्चे की, 1.5 साल तक के बच्चे की बनानी है, तो अभी स्टार्टिंग में जो हमने फ़ोटो दिखाया था आप वाली वीडियो देख लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर ज्वाइन करने के बाद फिर से हम 4 बार डिज़ाइन 4 बार निकालेंगे। ठीक है, 4 बार निकालने के बाद फिर से हम सारे फंदे एक साथ निकाल देंगे, फिर 1 चैन लेंगे हम, 2 चैन लेने के बाद वापस इसी जगह डालेंगे, फिर हम 4 बार में फंदे निकालेंगे, देखिए इस तरीके से, और फिर सारे फंदे हम एक साथ निकाल देंगे इस तरीके से। तो बहुत सरल है, ऊन बहुत कम लगती है, टाइम बहुत कम लगता है, बहुत खूबसूरत लगती है। आप किसी भी कलर में बनाएं बहुत प्यारी लगती है। पिंक और वाइट कलर के हम ऑलरेडी बना चुके हैं, तो अभी मेरे पास ग्रीन कलर की ऊन है इसलिए हम ग्रीन कलर की ऊन से बना रहे हैं। तो देखिए फिर से हमने इसके पास वाले में डाला और 4 बार में फंदे निकाले, सारे फंदे फिर से हम एक साथ निकाल लेंगे और फिर हम 2 चैन लेंगे, 1 2 2 चैन लेने के बाद वापस इसी जगह डालेंगे, फिर से हम 4 बार में फंदे निकालेंगे, 1 2 3 4 4 बार में फंदे निकालने के बाद सारे फंदे फिर से एक साथ निकालेंगे हम और इस तरीके से निकाल दिए, फिर हम 2 चैन लेंगे, 1 2। ठीक है, एक में हमें 2 बार डिज़ाइन बनानी है, एक में हमें 2 बार डिज़ाइन बनानी है। देखिए इसके अंदर डालेंगे, इसमें भी हमें 2 बार डिज़ाइन बनानी है। ठीक है, इसमें डालेंगे, 4 बार में फंदे निकालेंगे। ठीक है, देखिए देखिए 4 बार में सारे फंदे हम 4 बार में लेंगे और फिर सारे फंदे एक साथ निकालेंगे हम। देखिए 2 चैन लेकर वापस इसी जगह डाल के फिर से हम 4 बार में फंदे निकालेंगे, ठीक है, फिर सारे फंदे हम एक साथ निकाल देंगे, फिर 2 चैन लेंगे इस तरीके से। इसी तरीके से हमें पूरी रो कंप्लीट करनी है, आगे क्या करना है हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए पूरी रो हमारी कंप्लीट हो गई है, हमने 2 चैन ले रखे हैं। अब देखिए इसमें डाल के हम इसको ज्वाइन करेंगे, देखिए
थोड़े पास से देखिए, इसके अंदर डालेंगे, इस वाले डिज़ाइन के अंदर इसमें ज्वाइन करेंगे। और देखिए एक चेन लेंगे, एक चेन लेकर सॉरी दो चेन लेकर इसको खींचेंगे, वापस इसी जगह डालेंगे और फिर से हम चार बार में फंदे निकालेंगे और सारे फंदे हम एक साथ निकाल देंगे इस तरीके से। फिर दो चेन लेंगे, वापस इसी जगह डालेंगे, फिर से चार बार में फंदे निकालेंगे। देखिए सारे फंदे निकाल दिए, फिर दो चेन लेंगे हम, एक दो, अब दूसरी वाली डिज़ाइन के अंदर डालेंगे। देखिए इस वाली डिज़ाइन के अंदर डालेंगे हम, इसमें भी सेम ऐसे ही रिपीट करना है हमें, चार बार में डिजाइन फंदे लेने हैं, सारे फंदे एक साथ निकालने हैं। इस तरीके से फिर दो चेन ले ली, वापस इसके अंदर डालेंगे, फिर चार बार में फंदे निकालेंगे। तो अगर आप लोग ब्लैक वाली जैकेट देखना चाहते हैं, मुझे बहुत सारे कमेंट करें, क्योंकि आधी जैकेट मैं ऑलरेडी बना चुकी थी, बहुत मेहनत से बनाई थी, बट ऐसे कमेंट आए थे तो अच्छा नहीं लगा, थोड़ा मन अजीब सा हो गया। फिर मैंने सोचा ठीक है आप लोग से पूछते हैं, अगर आप लोगों को देखना है तो फिर बहुत सारे कमेंट करिएगा और आपको वीडियो जल्द ही मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमने इस रो को हमें ऐसे ही कंप्लीट करना है, आगे क्या करना है हम आपको आगे बताते हैं। ये हमने पूरी रो कंप्लीट कर ली है इस तरीके से बन के, अब फिर से अब हम इसको ज्वाइन करेंगे दूसरी वाली डिज़ाइन में दो चेन लेकर। ठीक है, पहले दो चेन ले लेंगे, इसमें डाल के इसको ज्वाइन करेंगे, यहाँ पर फिर से हम चेन लेंगे दो, खींचेंगे इसको, फिर से इसके अंदर डालेंगे, सेम तरीके से चार बार में फंदे निकालेंगे और सारे फंदे हमें एक साथ निकाल लें। देखिए हमने दो चेन ले ली, वापस इसी जगह डालेंगे, फिर से हम चार बार में फंदे निकालेंगे, एक दो तीन और चार, चार बार में निकाले, फिर सारे फंदे एक साथ निकाल दिए। फिर दो चेन लेंगे हम, फिर इसके पास वाली चेन में डालेंगे। अभी हमारे पास देखिए तीन बार डिज़ाइन है, तीसरी बार हम डिज़ाइन बना रहे हैं, पूरी रो ऐसे ही कम्प्लीट करेंगे, सेम इसी तरीके से कुछ रो बना लेंगे। देखिए यहाँ तक हमने बना लिया, तो हमने देखिए पास से दिखा दें आपको, एक दो तीन चार पाँच छः, ये छः रो हमने बनाने के बाद देखिए, अब मुड्ढे के लिए हमने एक दो तीन, तीन डिज़ाइन इधर से छोड़ी है, तीन डिज़ाइन इधर से, टोटल हमने छः डिज़ाइन छोड़ दिए हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमने ऊन को ज्वाइन कर दिया है और सेम इसी तरीके से हमने एक दो तीन डिज़ाइन इधर से छोड़ी है, तीन दूसरी साइड से, एक दो तीन। ठीक है, मुड्ढे पर हमने छः डिज़ाइन छोड़ी हैं और बाकी बीच में हमने वाइट कलर की ऊन को ज्वाइन किया है। अब यहाँ पर देखिए सेम तरीके से हम चार बार में फंदे निकालेंगे, सारे फंदे एक साथ निकालने के बाद दो चेन लेंगे, वापस इसी जगह डालेंगे, फिर से चार बार में फंदे निकालेंगे। देखिए चार बार फंदे लेने के बाद सारे फंदे एक साथ निकालेंगे इस तरीके से, फिर दो चेन लेंगे, अब इसके पास वाले डिज़ाइन में डालेंगे। देखिए एक बार बन गया हमारा, अब इसके पास वाले डिज़ाइन में सेम इसी तरीके से डालेंगे। सारे फंदे एक साथ निकाल के फिर दो चेन लेंगे, वापस इसी जगह फिर से डालेंगे, चार बार में फंदे निकालेंगे। तरीके से फिर से दो चेन ले ली, अब देखिए एक दो, दो डिज़ाइन में हमारे बन गए। तीसरी वाली में भी सेम इसी तरीके से हमें बनाना है, इसमें भी डालेंगे, चार बार में फंदे निकालेंगे। फंदे निकाले एक साथ, फिर से हम दो चेन लेंगे, एक दो, वापस इसी जगह डालेंगे, फिर से हम सेम रिपीट करेंगे, चार बार में डिज़ाइन निकालेंगे, सॉरी चार बार में फंदे निकालेंगे, वापस इसको सारे फंदे को एक साथ निकाल के फिर दो चेन लेंगे हम। अब इसी तरीके से इस वाले डिज़ाइन में भी करेंगे, एक दो तीन, हमने जो पिन लगा रखी है यहाँ तक हम बनाते हुए लेकर आएंगे, तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ बार डिज़ाइन हम बनाएंगे, फिर आपको आगे दिखाते हैं। देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात, और पिन को खोलेंगे, इसमें भी सेम इसी तरीके से बनाएंगे। देखिए दो चेन ले ली, वापस इसके अंदर डालेंगे, फिर से हम चार बार में फंदे निकालेंगे, सारे फंदे एक साथ निकाल देंगे
और फिर हम दो चेन लेंगे। दो चेन लेने के बाद अब हमने जो पिन लगा रखी है दूसरी साइड में, इसमें डालेंगे। देखिए इसमें डालेंगे, पिन को हटाएंगे, इसके अंदर डालेंगे। अभी आपको दिखाते हैं हम। तो हमने बुड्ढे पर 6 डिज़ाइन को छोड़ा है बाजू के लिए। अब देखिए सातवें वाले डिज़ाइन में हम इसको ज्वाइन करेंगे। दो चेन ले रखी है हमने और के बाद चार बार में हम फंदे निकालेंगे। फंदे एक साथ निकाल के फिर से दो चेन लेंगे, वापस इसी जगह डाल के फिर से हम डिजाइन बनाएंगे। देखिए फिर से हम चार बार में फंदे निकालेंगे, सारे फंदे एक साथ निकाल देंगे। यहाँ पर फिर से दो चेन लेंगे, इसी तरीके से हम बनाएंगे। बुड्ढे जॉइंट हो गए हमारे, पूरी रो हमें ऐसे ही बनानी है। बनाने के बाद आपको दिखाते हैं। देखिए इसको हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 आठ बार डिजाइन इधर बनाई है, आठ बार हमने बैक साइड में बनाई है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 आठ बार इधर बनाई है। अब देखिए हम इसको ज्वाइन करेंगे आपस में। तो यहाँ पर इस वाले डिजाइन में डालेंगे और इसको सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। एक चेन बना के वापस से चार बार फंदे निकालेंगे हम। देखिए चार बार में निकालने के बाद सारे फंदे हम एक साथ निकालेंगे। दो चेन लेंगे, वापस इसी जगह डाल के फिर से हम सेम डिजाइन बनाएंगे। चार बार में फंदे निकालेंगे इस तरीके से। देखिए दो चेन ले ली हमने, अब इसके पास वाले डिजाइन में डालेंगे, सेम तरीके से डिजाइन बनाएंगे। फंदे एक साथ निकाले, दो चेन ली, वापस इसी जगह डालेंगे, फिर से हम चार बार में फंदे निकालेंगे। 1 2 3 4 चार बार में निकाले, सारे फंदे एक साथ निकाल दिए, दो चेन ले ली। इस पूरी रो को हमें ऐसे ही कंप्लीट करना है। चलिए उनसे हम 6 रो बनाएंगे। 6 रो बनाने के बाद हमें घेर बढ़ानी है। यहाँ पर देखिए ग्रीन कलर की ऊन को ज्वाइन करके घेर बढ़ानी। घेर बढ़ाना बहुत ईजी है, चलिए फिर बना देते हैं। यहाँ पर ऊन को ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन कर लिया, दो चेन ले ली, इसको खींचेंगे। इसके अंदर हम चार बार फंदे निकालेंगे और सारे फंदे हम एक साथ निकालेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। दो चेन लेकर वापस इसी जगह डाल के फिर से चार बार में फंदे निकालेंगे। फिर से सारे फंदे हम एक साथ निकालेंगे और निकालने के बाद फिर से दो चेन ली, वापस इसी जगह डाल के एक बार और बनाएंगे। अभी तक हम क्या कर रहे थे, दो दो बना रहे थे, एक में डिजाइन बना रहे थे। इस बार हमें एक डिजाइन के अंदर 3 बार डिजाइन बनानी है, ठीक है। सारे फंदे एक साथ निकाल के फिर दो चेन लेंगे। अभी हमने क्या कर रहे थे, देखिए एक डिजाइन के अंदर 2 डिजाइन बना रहे थे, इस वाली रो में हमने एक के अंदर 3 डिजाइन बनाई है, ठीक है। 2 चेन लेकर दूसरे वाले डिजाइन के अंदर भी हम 3 बार डिजाइन बनाएंगे। वापस इसके अंदर डाल के फिर से हम 4 बार में फंदे निकालेंगे और देखिए इस तरीके से सारे फंदे एक साथ निकाल दिए। तो इस पूरी रो को हमें ऐसे ही कंप्लीट करना है। हर डिज़ाइन के अंदर हमें 3-3 बार डिज़ाइन बनानी है, फिर आगे आपको दिखाते हैं। देखिए पूरी रो हमारी कंप्लीट हो गई है। हर डिज़ाइन के अंदर हमने 3-3 डिजाइन बनाई है और इसके बाद हम इसको ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर इस वाले डिज़ाइन के अंदर डालेंगे, बीच में डाल के इसको ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर ज्वाइन करने के बाद देखिए इसको खींच लिया, फिर से हम 4 बार में फंदे निकालेंगे। सारे फंदे हम एक साथ निकाल देंगे। देखिए हम 2 चेन लेंगे, वापस इसी जगह डाल के फिर से 4 बार में फंदे निकालेंगे इस तरीके से। एक में हमने 2 बना लिए, अब फिर 2 चेन लेकर इसके पास वाले में डालेंगे। इसमें भी सेम इसी तरीके से हमें बनाना है। 4 बार में फंदे निकालेंगे और सारे फंदे एक साथ निकाल लेंगे।
इस तरीके से फिर दो चेन लेके वापस इसी जगह डालेंगे, फिर से सेम रिपीट करेंगे। देखिए इस तरीके से हमने बना लिया। अब इस दो चेन फिर से हम लेंगे और इसके पास वाले डिजाइन में भी सेम इसी तरीके से हम बनाएंगे। देखिए दो चेन ले ली, इसके बाद हम सेम इसी तरीके से रिपीट करेंगे। देखिए अगर आपको 5 साल के बच्चे की बनानी है या फिर उससे बड़ी बच्चे की बनानी है तो इसी तरीके से आपको फंदे बढ़ाने हैं। गले के बाद जब आप मुट्ठे के फंदे छोड़ेंगे ना, उसके बाद सेम इसी तरीके से आपको फंदे बढ़ाने हैं। तो आप क्या करें, जैसे हमने 8 डिज़ाइन ली है ना फिटिंग के लिए, तो आप दो डिज़ाइन में साइड से दो डिज़ाइन में फंदे बढ़ा लें, बीच के 4 डिज़ाइन में आप सेम तरीके से बनाएं, ठीक है। और आप लोगों को कोई भी दिक्कत लगे आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी। चलिए फिर इसको हम इस पूरी रो को ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। टोटल हम 6 रो ऐसे ही बनाएंगे। देखिए अभी हम आपको दिखाते हैं, पूरी रो हमने बना ली है। अब इसके बाद आपको कैसे बनानी है हम आपको बताएं। देखिए 6 6 रो के बाद हमें कलर चेंज करना है, ठीक है। अभी हमारे पास 2 रो हुई हैं, अब हमें 3री रो भी सेम इसी तरीके से बनानी होगी। देखिए यहाँ पर डालकर इसको ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले ये फंदे को खींचेंगे, 4 बार में फंदे निकालेंगे, सारे फंदे एक साथ निकाल के 2 चेन लेंगे, वापस इसी जगह डाल के फिर से हम डिजाइन बनाएंगे। देखिए फिर 2 चेन ले ली हमने, 1 डिज़ाइन बन गए। सेम इसी तरीके से हमें इस पूरी रो को कंप्लीट करना है। टोटल 6 रो हमें ऐसी ही बनानी है। 6 रो के बाद हमें 6 रो वाइट कलर की बनानी है, फिर 6 रो हमें ग्रीन कलर की बनानी है, लास्ट में हमें किनार बनानी है। तो इसको हम पूरा कंप्लीट करने के बाद आपको दिखाएंगे। जब आप बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपके समझ आ जाएगा। अभी हो सकता है आपको टफ़ लग रहा है, बट बिल्कुल भी टफ नहीं है। आगे हम आपको दिखाते हैं पूरी कंप्लीट करने के बाद। सिंपल है, इस तरीके से 2-2 बनानी है, हर डिज़ाइन में 2-2 डिज़ाइन बनानी है, बनाते जाना है। देखिए इतना बन गया। अब इसके बाद 6 रो हम वाइट कलर की लगाएंगे, फिर 6 रो ग्रीन कलर की लगाएंगे। बनाने के बाद आपको दिखाते हैं। तो देखिए इतनी हमारी बन गई है, यहाँ से हमने स्टार्ट की थी, यहाँ से बन गई हमने। देखिए 6 रो यहाँ पर बनाई थी, फिर वाइट कलर लगाया था, 6 रो बनाई थी, फिर 6 रो में हमने ग्रीन कलर लगाया था, फिर 6 रो वाइट कलर, फिर ग्रीन। अब इसके बाद अगर आपको 4 साल की बच्ची की बनानी है तो आप कुछ रो और बढ़ा दें, इसके बाद वाइट कलर लगा दें, फिर ग्रीन कलर लगा दें, तो थोड़ी लंबी हो जाएगी फ्रॉक। और अगर आपको 5 साल के बच्चे की बनानी है तो मैंने आपको बता दिया है कि जब हम मुड्ढे ज्वाइन करेंगे ना, और मुड्ढे के बाद से ही हमें फंदे बढ़ा लेने हैं। जब आप लोग बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपके समझ आ जाएगा। अब हम किनार बनाएंगे, तो किनार कैसे बनानी है चलिए देख लेते हैं। तो देखिए किनार बनाने के लिए क्या करेंगे हमने, देखिए नीचे के साइड में सबसे पहले उनको ज्वाइन किया, 3 चेन ले ली। अब एक डबल क्रोशिया बनाने के बाद 3 चेन लेकर सेम इसी जगह डाल के और उसको सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया, ठीक है। वापस इसके अंदर डालेंगे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चेन लेकर सेम इसी जगह डाल के सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। देखिए वापस इसके अंदर डालेंगे, फिर से हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए फिर से 3 चेन बना के फिर से इसी जगह डाल के हम इसको सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। टोटल हमें इसके अंदर 5 बार रिपीट करना है। 3 बार हम बना चुके हैं, 4थी बार फिर से डालेंगे। 3 चेन लेके इसके अंदर सिंगल क्रोशिया बना दिया, 4 बार हो गया। 1 बार और बनाएंगे हम, इसके अंदर डालेंगे डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 2-2 करके जो फंदे निकाले जाते हैं उसको डबल क्रोशिया कहते हैं। अब देखिए 3 चेन लेके इसको एक सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे, इतना बन गया, ठीक है। इसी तरीके से हमें हर डिज़ाइन के अंदर बनाना है। अब देखिए इतना हो गया, अब इसको हम ज्वाइन कहाँ करेंगे। देखिए इतना बना लिया, 5 बार हमने बना लिया है, ठीक है। बनाने के बाद अब देखिए कि यहाँ पर डालकर इसको ज्वाइन करेंगे सिंगल क्रोशिया से। अब देखिए इस दूसरी वाली डिज़ाइन में भी सेम हमें ऐसे ही बनाना है कि इसके अंदर डालेंगे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन लेकर फिर इसी के अंदर डाल के हम ज्वाइन करेंगे। इस तरीके से 5 बार इसके अंदर भी हम रिपीट करेंगे। पूरी किनार में हमें ऐसे ही बनानी है और बाजू पर भी बनाएंगे ऐसे ही, फिर हम आपको आगे दिखाते हैं कि पूरी रो हम ऐसे ही बनाएंगे। पूरी किनार हमने बना ली है, बाजू पर भी हमने ऐसी किनार बनाई है। बहुत खूबसूरत सी फ्रॉक बनी है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, अगर नहीं किया है तो घंटी प्रेस जरूर करें। और अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो सारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। देखिए सब्सक्राइब के सामने जो ऑल बना है आप उसको टच करेंगे तो चैनल ओपन हो जाएगा, फिर वीडियो में जाके सारी वीडियो देख सकते हैं। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हमने डाल रखी हैं।
आपको कार्डिगन, स्वेटर, बच्चों की चीज़ें, वॉल हैंगिंग, बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। अगर आप लोगों ने मेरे नए वाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, उसका नाम ऑल फैशन टिप्स है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आप लोग ब्लैक वाली जैकेट देखना चाहते हैं तो मुझे बहुत सारे कॉमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आधी बन चुकी है और आधी रह गई है। तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं बहुत सारे कॉमेंट करिएगा। तो अब मैं आपको मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, जब तक आप इसको एंजॉय करें, बाय।